भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी, ये घोषणा पत्र के एक एक बिंदु का मैं क्रियान्वयन करूंगा। पहले कैबिनेट में तय कर दिया, किसानों के धान खरीदी का मुद्दा था, पहले कैबिनेट में तय हो गया। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अखिल भारतीय बिंझिया समाज का महासम्मेलन समारोह सूरजपुर में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ की योजना और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों महिलाओं के लिए शुरू होने वाली योजनाओं के बारे में भी बताई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को। 12 जनजाति समुदाय के लोगों का मात्रात्मक त्रुटि, जिसके वजह से वर्षों तक अनुसूचित जनजाति का लाभ समाज को नहीं मिल रहा था, न छात्रावास में, न स्कॉलरशिप में और न नौकरियों में, आरक्षण में इनको लाभ मिल रहा था। ये सभी संवैधानिक अधिकार से वंचित लोग, भूमिया, धनवार, नगेशिया, सौरा, धनगढ़, बिंझिया, कोड़ाको, कोन, भारिया, पंडो, गोड़, गदवा, ये 12 जनजाति के 25 लाख लोगों को यदि नया जीवन मिला है, आजादी मिली है, आने वाले पीढ़ियों का भला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, जिसके प्रतिनिधि विष्णुदेव साय यहां बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच, जब ये मात्रात्मक त्रुटि की बात को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, विष्णुदेव साय मेरे साथ थे, महेश गागड़ा आज बैठा है हमारा मंत्री, वो मेरे साथ थे, हमने आग्रह किया न माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये पीढ़ियों का सवाल है, ये जीवन का सवाल है। विकास को रोकने वाले कांग्रेस ने कभी 50-60 साल में इस समाज के लिए कोई काम नहीं किया, नारे लगवाए। आज ये अवसर है, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा और विधानसभा में इसको मंजूरी दिलाई जाए। मैं आज इस सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से, 25 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकसभा में मंजूरी दिलाई, राज्यसभा में मंजूरी दिलाई, नोटिफिकेशन कराया और आज आपके बीच हम मौजूद हैं। ये होता है काम करने वाली सरकार, ये होता है आदिवासियों के, वनवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार। अब इस सरकार का मुखिया यदि कोई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके मुखिया के नाते आज देश में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। मुख्यमंत्री बन गए विष्णुदेव साय जी, मगर बनते ही चमत्कार किया। विष्णुदेव साय ने पहले दिन सार्वजनिक घोषणा किया, पहली सभा में प्रधानमंत्री के उपस्थिति में, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो काम विष्णुदेव साय जी ने किया। विष्णुदेव साय ने कहा ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी, ये घोषणा पत्र के एक एक बिंदु का मैं क्रियान्वयन करूंगा। पहले कैबिनेट में तय कर दिया, किसानों के धान खरीदी का मुद्दा था, पहले कैबिनेट में तय हो गया। किसानों के धान खरीदी का मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ जो हमने वादा किया है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी और 21 क्विंटल धान खरीदने का तय पहले कैबिनेट में हो गया। मुख्यमंत्री के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। 12 लाख किसानों को 300 रुपया का 2 साल का बोनस, पहले ही घोषणा में कहा कि 3700 करोड़ रुपया
किसानों को मांगना नहीं पड़ेगा, इनके खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ये वादा भी पूरा करके यहां पे आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, वादा किया है। हमारे बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रत्येक बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी आपको दिला दी है। बहनों भी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर सकते हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी की काम की रफ्तार। बोलते कम है, कलम ज्यादा चलता है। पहला मुख्यमंत्री था वो बोलता ही बोलता था, काम नहीं करता था। ये मुख्यमंत्री, काम करने वाला मुख्यमंत्री आपके बीच बैठा है। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को। जैसे कि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को कई सारी योजनाओं के लाभ मिलने वाले हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय पर योजना बनाएगी और योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं को लेकर जैसे जैसे नई जानकारी सामने निकल कर आएगी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधे हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं को लेकर, शुरू होने वाली योजनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार और राय नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। साथ ही भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। साथ ही ताज़ा जानकारी हमारे वेबसाइट eatsachhattisgarh.in, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को मिलता रहता है। तो तीनों का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो करके जरूर से रखिएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।